दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं कॉमेडी ड्रामा मूवी को। इस मूवी का नाम है 40 Days and 40 Nights, जिसे 2002 में रिलीज किया गया था। ये एक कॉमेडी रोमांटिक मूवी है। इस मूवी की कहानी में हम एक लड़के को देखेंगे जो 40 दिनों तक मास्टरबेशन नहीं करने की कसम खाता है। इन 40 दिनों में ना ही वो मास्टरबेशन करेगा और ना ही कोई सेक्सुअल एक्टिविटी करेगा। वो ऐसा क्यों करता है और क्या वो अपने मिशन में कामयाब हो पाता है, ये हम आगे मूवी में जानेंगे। तो चलिए इस मूवी को शुरू करते हैं। इस मूवी की शुरुआत में हम मैट को देखते हैं जो कि एक रेस्टोरेंट में बैठा होता है और वो लड़कियां पटाने में एक्सपर्ट है। वो इस रेस्टोरेंट में बैठकर अपनी गर्लफ्रेंड की फोटोज देख रहा होता है। इसके बाद हम उसे चर्च में देखते हैं। वो अपने भाई से मिलने के लिए जाता है। उसका भाई चर्च में पादरी बनने की प्रैक्टिस कर रहा है। वो अपने भाई को ये बताता है कि उसकी गर्लफ्रेंड के साथ उसका ब्रेकअप हो गया है और अब वो उसे भूलना चाहता है। उसे भूलने के लिए वो बहुत सारी लड़कियों के साथ इंटीमेट होता है, लेकिन जब भी वो किसी के साथ इंटीमेट हो रहा होता है उस वक्त उसे सीलिंग में क्रैक्स दिखाई देते हैं, जिसकी वजह से वो डर जाता है और किसी भी लड़की को वो खुश नहीं कर पाता है। मैट की बातें काफी अजीब होती है, इसलिए उसका भाई उसकी कोई भी मदद नहीं कर पाता है। इसके बाद मैट अपने दोस्त रैन से मिलने के लिए जाता है। ये दोनों शाम में बार में जाने का प्लानिंग करते हैं। इसके बाद शाम में ये दोनों बार में पहुंच जाते हैं, जहां मैट एक लड़की से बातें करता है और उसे अपना दीवाना बना लेता है। इसके बाद वो उस लड़की को अपने घर ले जाकर इंटीमेट होने लगता है, लेकिन तभी उसे फिर से सीलिंग में क्रैक्स नजर आने लगते हैं। क्रैक्स देखकर वो बहुत डर जाता है और वो वहां से जल्दी से भाग जाता है। इसके बाद हम मैट को उसके ऑफिस जाते हुए देखते हैं। मैट एक वेब डिजाइनर है। जब वो अपने ऑफिस के कैंटीन में जाता है तब उसे ये बात पता चलती है कि उसकी एक्स गर्लफ्रेंड की एंगेजमेंट हो गई है। ये सुनकर उसे बहुत बुरा लगता है। इसके बाद वो दौड़ता हुआ उस जगह पर जाता है जहां आज उसकी गर्लफ्रेंड की एंगेजमेंट थी। वो जब वहां पहुंचता है तो इस पार्टी को देखकर वो सैड हो जाता है, लेकिन वहां उसे एक खूबसूरत लड़की दिखाई देती है और इसके बाद वो उस लड़की को पटा लेता है। इसके कुछ दिनों के बाद मैट फिर से अपने भाई के पास जाता है और अपनी सारी बातें अपने भाई को बताता है। यहीं पे मैट अपने भाई से ये कहता है कि वो अब अपने पापों का पश्चाताप करना चाहता है और इसलिए वो अगले 40 दिनों तक कोई भी सेक्सुअल एक्टिविटी नहीं करेगा और ना ही मास्टरबेशन करेगा। ये सुनकर उसका भाई उसे समझाता है, ये करना बहुत मुश्किल है और तुम ये नहीं कर पाओगी। लेकिन मैट अपने भाई से फिर से ये कहता है वो अगले 40 दिनों तक ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। अगले दिन मैट अपने रूम से वो सारी चीजों को हटा देता है जिसे देखकर उसकी नियत खराब होती थी। मैट अपना एक दिन आसानी से गुजार लेता है और वो अब अपने आप को बिजी रखने के लिए छोटे मोटे काम करता है। उसी वक्त रैन उसके पास आता है और उसे अपने साथ क्लब चलने के लिए कहता है, लेकिन मैट यहाँ पर बहाना बनाता है और वो कहता है उसे कपड़े धोने हैं, इसलिए वो क्लब नहीं जाएगा। शाम में जब मैट लॉन्ड्री में अपने कपड़े धोने के लिए जाता है तब उसकी मुलाकात एक लड़की से होती है और इस लड़की का नाम एरिका है। एरिका मैट को देखकर उससे इम्प्रेस हो जाती है और वो मैट से बातें करने की कोशिश करती है, लेकिन मैट अपने वादे के मुताबिक उसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिखाता है और वो गूंगा होने का बहाना करता है, क्योंकि अगर वो एरिका से बातें करना शुरू कर देता तब इन लोगों की कहानी बहुत आगे तक चली जाती। एरिका मैट से कहती है तुमसे फिर मुलाकात होगी और ये कहकर वो वहां से चली जाती है। अब एक हफ्ता गुजर चुका है और मैट अपने आप को एक हफ्ते तक कंट्रोल करके रखे हुए है। वो अब अपने काम पर ज्यादा ध्यान देता है। उसके अच्छे काम को देखकर उसके बॉस भी उसकी तारीफ करते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम रैन को देखते हैं जिसे अपने गंदे मैगजीन डस्टबिन में मिलते हैं। वो इन मैगजीन्स को उठाकर मैट के पास जाता है और उससे पूछता है ये सब क्या है। तब मैट उसे अपनी 40 दिन वाली कसम के बारे में बताता है। धीरे धीरे ये खबर मैट के ऑफिस तक पहुंच जाती है क्योंकि रैन ने ही सभी लोगों को बताया था। मैट के कलीग्स उस पर बेट लगाते हैं कि मैट अपने आप को कितने दिनों तक रोक सकता है। धीरे धीरे ये लोग मैट पर सट्टा लगाने लगते हैं। अगर मैट अपनी 40 दिन वाली कसम पूरा नहीं कर पाता है तब सट्टा लगाने वाले आदमी को पैसे मिलेंगे। मैट के कुछ दोस्त इस चैलेंज को इंटरनेट पर भी डाल देते हैं और अब ये खबर बाहर की दुनिया में फैल चुकी थी। मैट के कसम के बारे में सारी दुनिया को पता चल चुका था, लेकिन मैट को इस बात की कोई खबर नहीं थी। जो लड़कियां मैट के ऑफिस में काम करती थी उनके बीच भी ये खबर फैल जाती है। ये लड़कियां आपस में बातें करती हैं और ये कहती हैं, तुम लोगों को क्या लगता है क्या मैट अपने आप को 40 दिनों तक रोक पाएगा। इसके जवाब में दूसरी लड़की उससे कहती है, मैट अपने आप को 40 दिनों तक तो क्या, अब वो 40 मिनट भी अपने आप को नहीं रोक पाएगा। और इसके बाद वो मैट के ऑफिस की तरफ जाने लगती है। उस वक्त मैट अच्छे से अपने काम को कर रहा होता है। उसी वक्त वो लड़की उसके कैबिन में आती है और वो मैट को सीरियस करने की कोशिश करती है, लेकिन मैट अपने कैबिन से जल्दी से निकलकर वहां से भाग जाता है। रात में जब वो कपड़े धोने के लिए लॉन्ड्री में जाता है जहां उसे फिर से एरिका मिलती है, तब मैट उसे देखकर बोलने लगता है। इसका मतलब ये है कि अब मैट को भी एरिका पसंद आने लगी है। एरिका उसे बताती है वो एक साइबर कंपनी में जॉब करती है और वो उसे ये भी बताती है उसका काम है इंटरनेट से एडल्ट साइट्स को ब्लॉक करना। मैट को ये सुनकर थोड़ा अजीब लगता है। इसके बाद हम मैट और रैन को एक साथ देखते हैं जहां मैट रैन को ये बता रहा होता है कि वो एरिका को पसंद करता है और अब वो एरिका के साथ डेट पर जाने वाला है। इसके बाद मैट और एरिका एक दूसरे से मिलते हैं। ये दोनों एक साथ बहुत खुश थे। ये दोनों एक दूसरे के साथ बहुत मस्ती करते हैं।
रात में जब मैट उसे उसके घर में छोड़ने जाता है तब एरिका उसे किस करने वाली होती है, लेकिन मैट जल्दी से वहाँ से भाग जाता है। अगले दिन जब मैट अपने ऑफिस में जाता है तब कैंटीन का वेटर उसे उसके डेट के बारे में पूछता है। मैट जब वेटर की बातों को सुनता है तो वो बहुत हैरान होता है और वो सोचता है इसे मेरे डेट के बारे में कैसे पता है। वो सोचता है मैंने तो ये बात सिर्फ रैन को बताई थी। तभी वहाँ पर उसका एक दोस्त क्रिस आता है और वो मैट को उसके बारे में बताता है। वो कहता है तुम्हारी कहानी इंटरनेट में फैल चुकी है और तुम्हारे कसम के बारे में अब सबको पता है। धीरे धीरे एरिका को भी मैट के बारे में पता चल जाता है। इसके बाद एरिका मैट से मिलती है जो कि मैट से काफी नाराज थी। एरिका मैट से इसलिए भी गुस्सा होती है क्योंकि उसका मानना था मैट ने अपने 40 दिन के कसम को पूरा करने के लिए उसका इस्तेमाल किया है। मैट ये सब सुनकर रैन पर बहुत गुस्सा होता है और वो घर आकर मैट को बहुत सुनाता है। अगले हफ्ते जब मैट लॉन्ड्री में जाता है तब एरिका उसे नहीं मिलती है, लेकिन एरिका के बजाय उसे एरिका का एक लेटर मिलता है जिसमें एरिका ने उसे डिनर के लिए इनवाइट किया था। इसके बाद मैट एरिका से मिलने के लिए डिनर में जाता है। यहीं पर उसकी नजर उसकी एक्स गर्लफ्रेंड निकोल पर पड़ती है। अपनी एक्स को देखकर मैट उदास हो जाता है और वो अपनी तबीयत का बहाना बनाकर वहां से जाने की कोशिश करता है, लेकिन यहीं पर अचानक उसके शर्ट में आग लग जाती है। आग देखकर वो बहुत घबरा जाता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है। सारे लोग मैट को देखने लगते हैं और निकोल भी मैट को देख लेती है। इसके बाद निकोल मैट के पास आती है और यहाँ मैट एरिका को निकोल से मिलवाता है। एरिका फिर से मैट पर गुस्सा होती है और वो कहती है तुमने अपने एक्स के बारे में मुझे क्यों नहीं बताया, और गुस्सा होकर वहाँ से जाने लगती है। अगले दिन ऑफिस में मैट जब अपना काम कर रहा होता है तब उसके केबिन में दो लड़कियां आती है और वो दोनों मैट को सेड्यूस करने लगती है, लेकिन मैट उन दोनों को देखकर जल्दी से भागने लगता है। इसके बाद मैट अपने भाई के पास जाता है और वो अपने भाई को ये बताता है। अब उसे सारी लड़कियां टॉपलेस दिखती है। उसका भाई मैट को समझाता है और वो कहता है तुम्हें इस बारे में हमारे पेरेंट्स से बात करनी चाहिए। इसके बाद दोनों भाई अपने घर जाते हैं और ये लोग अपने पेरेंट्स के साथ डिनर कर रहे होते हैं। तभी मैट के फादर उसे अपने जवानी के दिनों के बारे में बताते हैं और वो अपने सेक्सुअल लाइफ के बारे में इन दोनों को बताते हैं। मैट को उनकी बातों को सुनकर बहुत अजीब लगता है। मैट किसी तरह अपने 35 दिन ऐसे गुजार लेता है। मैट के ऑफिस में उसका एक कलीग उसके ड्रिंक में वायग्रा मिलाकर देता है, लेकिन मैट उस जूस को पीने से बच जाता है, लेकिन इस जूस को मैट का बॉस गलती से पी लेता है। जब बॉस इस जूस को पूरा पीता है तब इस गोली का असर उसमें दिखने लगता है। वहीं दूसरी ओर मैट का कलीग मैट को ढूंढते हुए उसके ऑफिस में आता है। वो ऐसा सोच रहा था कि उसकी गोली वाली ड्रिंक को मैट ने पी ली है। इसके बाद वो मैट के पास आता है और वो उससे कहता है अगर तुमने आज मास्टरबेशन किया तो मैं शर्त जीत जाऊंगा और इनाम में मुझे $18,000 मिलेंगे जिसे मैं और तुम आधा आधा बांट सकते हैं। उसकी बातों को सुनकर मैट लालच में आ जाता है। इसके बाद मैट एक सेक्सी मैगजीन को उठाता है और टिश्यू पेपर लेकर सीधा बाथरूम में चला जाता है। मैट का दोस्त काफी खुश हो रहा था क्योंकि वो शर्त जीतने वाला था। इस ऑफिस में जितने भी लोग काम करते थे वो सारे लोग बाथरूम के बाहर खड़े हो जाते हैं ताकि वो मैट का कार्यक्रम देख सके। मैट मास्टरबेट करने ही वाला होता है, लेकिन तभी उसे बगल के बाथरूम से किसी और के मास्टरबेट करने की आवाज आती है। जब वो नीचे देखता है तब उसे ये बात पता चलती है कि आदमी कोई और नहीं बल्कि उसका बॉस है। उस गोली की वजह से उसका बॉस लगातार 3 बार मास्टरबेट कर चुका है। ये सब देखकर मैट जल्दी से बाथरूम की खिड़की से भाग जाता है। इसके बाद वो एरिका से मिलने के लिए उसके घर जाता है और अपने साथ वो एरिका के लिए फूल भी ले जाता है। ये दोनों एक दूसरे से रोमांस करते हैं, लेकिन सिर्फ ऊपर से। सुबह जब एरिका उठती है तब मैट वहाँ से जा चुका था। आज मैट का 38वां दिन है। मैट को आज एक प्रेजेंटेशन देने के लिए जाना था। जब वो अपने ऑफिस में पहुँचता है तब उसका हथियार बिल्कुल खड़ा था। ये देखकर मैट के कलीग और उसका बॉस उसे घर भेज देते हैं। मैट जब अपने घर में आता है तब निकोल उससे मिलने के लिए आती है। मैट निकोल को जब अपने घर में देखता है तो उसे काफी अजीब लगता है। निकोल यहाँ मैट को बताती है वो अपने फियांसे से ब्रेकअप कर चुकी है और अब वो मैट के साथ रहना चाहती है, लेकिन मैट निकोल को समझाता है और वो कहता है अब वो उसके साथ नहीं रह सकता है। इसके बाद निकोल क्रिस के पास जाती है और वो मैट पर बेट लगाती है। तब क्रिस उसे बताता है जैसे ही मैट के 40 दिन पूरे हो जाएंगे वो एरिका के साथ इंटीमेट होगा। ये सुनकर एरिका को गुस्सा आता है और वो क्रिस से कहती है वो 40 दिन पूरा होने से पहले ही मैट के साथ इंटीमेट होगी। इधर 40वां दिन आ चुका था, अब मैट को बस एक दिन गुजारना है, लेकिन उसका हथियार संभाले नहीं संभल रहा था। वो उसे शांत करने के लिए ठंडा पानी और बर्फ डालता है, लेकिन अब इसका कोई भी असर नहीं होता है। आज के दिन मैट को सारी लड़कियां न्यूड दिख रही थी। वो इन सारी चीजों से बचना चाहता था, इसलिए वो जल्दी से अपने भाई के पास चर्च में जाता है। लेकिन वो वहां जाकर देखता है उसका भाई एक नन के साथ मजे कर रहा है। वो अपने भाई से जाकर कहता है मुझे अब सभी तरफ न्यूड लड़कियां दिखाई देती हैं, लेकिन उसका भाई उससे कहता है मैं खुद को संभाल नहीं पा रहा हूँ तो तुम्हारी मदद मैं कैसे कर सकता हूँ। शाम में जब मैट घर वापस आता है तब उसका दोस्त रैन एक कॉल गर्ल को लेकर वहाँ आता है। वो लड़की भी यहाँ आकर मैट को सेड्यूस करती है। मैट रैन से ये कहता है मुझे बेड से बांध दो नहीं तो मैं खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। रैन भी अपने दोस्त की बात मान जाता है
और वो मैट को उसी तरह बांध देता है जैसा कि मैट ने उसे बांधने के लिए कहा था। इसके बाद रैन अपनी कॉल गर्ल को लेकर वहाँ से चला जाता है। इधर एरिका मैट से मिलने के लिए तैयार हो रही होती है क्योंकि आज मैट के 40 दिन पूरा होने वाला था। और जैसे ही 40 दिन पूरा होते, एरिका और मैट एक दूसरे से इंटीमेट होते। मैट अपने बेड में बंधा हुआ सो जाता है, लेकिन उसे काफी गंदे सपने आने लगते हैं। मैट को ऐसा लगता है जैसे सपने में वो बहुत कुछ कर रहा है, लेकिन रियलिटी ये होती है कि निकोल वहाँ आई थी और वो रियल में मैट के साथ ये सब कर रही थी और निकोल मैट के साथ इंटीमेट हो जाती है। इधर एरिका जब मैट के कमरे में आ रही होती है तब वो निकोल को यहाँ से निकलते हुए देखती है। निकोल को देखकर एरिका रोने लगती है और उसे ऐसा लगता है जैसे मैट ने उसे धोखा दिया है। इसके बाद वो फिर से मैट से नाराज होकर वहाँ से चली जाती है। कुछ दिन बाद मैट फिर से एरिका से मिलता है। मैट उसे मनाने की बहुत कोशिश करता है और लास्ट में एरिका मान जाती है। इसके बाद ये दोनों एक साथ बहुत खुश होते हैं। इसके बाद दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं। जब रूम में एरिका और मैट इंटीमेट हो रहे होते हैं तब मैट के रूम के बाहर उसके सारे दोस्त उसका वेट कर रहे होते हैं। ये लोग आपस में बेट लगाते हैं कि मैट बेडरूम में कितनी देर टिक पाएगा। और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कर देना और ऐसे ही मूवीज के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।